बीच नॉर्थईस्ट का अटैक बनता हुआ गएगो दूरी से शॉट और अब डिएगो कार्लोस क्रॉस आता हुआ बेहतरीन मौका मुंबई के लिए रोलिन बोजेस मोडोसुगु अपराइट को लगी पोस्ट को लगी अंदर नहीं गई निरंतर मौजूद मुंबई सिटी एफसी के लिए और भाई वो टच मैप बताता हुआ लार्बी डिएगो कार्लोस बढ़िया शोल्डर ड्रॉप किया और गोल महज औपचारिकता थी कि मुंबई सिटी एफसी के डिएगो कार्लोस कब करेंगे गोल तो चलिए आ गया मुंबई एक नॉर्थ ईस्ट शून्य लगातार हीरो को कार्लोस की हम तारीफ कर रहे थे और उससे पहले टच मैप भी देखा था ये देखिए लार्बी ने गेंद दी लेहड़ो ने हेड किया और किस तरीके से अपना संयम बरकरार रखा सूझबूझ से पहले प्लेयर को चकाया गोल की तरफ देखा सर उठाकर ये देखिए और उसके बाद दूसरे बार में सुभाषीष और पूरे डिफेंस को चकाते हुए पहला गोल 44वें मिनट में मेजबान को 1-0 देके बढ़ा मुडुसुगु टॉप गोल स्कोरर मुंबई के लिए और इस कारण से लंडेवाल जल्दी से लेंगे फिर से गायको पेनल्टी स्पॉट के पास आता हुआ कॉर्नर और लगभग अमरिंदर सिंह के गोल को भेदने में सफल युवा खिलाड़ी अपुया फाउल यहां पे और एक येलो कार्ड पे है रेगन सिंह और इसीलिए उनको दिखाया जाएगा एक रेड कार्ड दो येलो कार्ड रेड कार्ड तो ये देखिए यहां से फाउल करने की जरूरत क्यों पड़ी रेगन सिंह को क्या स्पीड की कमी है क्या पोजीशनिंग में गड़बड़ है ये तो गलती रेगन सिंह की है क्योंकि डिएगो ने बहुत पीछे बॉल पकड़ी थी आराम से रेगन सिंह इसको टैकल कर सकते थे रेड कार्ड खाने की या येलो कार्ड खाने की कोई जरूरत नहीं